Hello kids, this is your mentor Neetu. We are doing Cyber Creators Computer Book by Brain Root of Class 4. So today we are doing Chapter 5, Introduction to PowerPoint 2021. So it's very interesting chapter, children. So our chapter takeaways, in this chapter you will learn about what? You will learn about presentation, slide, use of presentation, starting PowerPoint, start कैसे करना है उसको, उसमें कौन कौन से components हैं PowerPoint में, creating a new presentation, how to create a new presentation, saving a presentation, कैसे save करना है किसी presentation को, inserting a picture, कैसे picture insert करनी है, closing a presentation, एक presentation को कैसे close करते हैं, एग्जिट PowerPoint, PowerPoint से बाहर कैसे आना है, ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन, उसको ओपन कैसे करना है, एंड रनिंग अ प्रेजेंटेशन, उसको रन कैसे करना है, उसको शो कैसे करना है. सो एवरीथिंग वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर. सो फर्स्ट बिफोर वी बिगिन, फाइंड आउट एनी थ्री यूजेज ऑफ PowerPoint एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो. PowerPoint का हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं? PowerPoint से वी गेट इन्फॉर्मेशन, यूजफुल इन्फॉर्मेशन. हम अपने आइडियाज़ को, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ऑडियंस को, या जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, या जो भी जिनको कस्टमर्स हैं, लाइक हम अपने बिजनेस में उसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी बिजनेस मीटिंग्स में उसको यूज़ कर सकते हैं. सो अपने हम कोई प्रोजेक्ट, हम स्कूल प्रोजेक्ट हमें मिलता है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं. सो PowerPoint के काफ़ी यूजेस हैं एंड इट्स वेरी बेनिफिशियल एंड इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव. ये आपको क्लियर भी होता है, जब हम कोई पिक्चर देखते हैं वो हमारे माइंड में ज़्यादा अच्छे से फीड हो जाता है. ओके, सो PowerPoint के यूज़ नाउ डेज मॉडर्न लाइफ में, आपका कंपटीशन ज़्यादा है, हम अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्लाइड्स बना सकते हैं, अपने जो कॉन्सेप्ट्स है उसको हम अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ PowerPoint, राइट. सो लेट्स सी, PowerPoint इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड by Microsoft. बनाया किसने है? Microsoft ने. It is an integral part of the Microsoft Office suite of applications. PowerPoint is used to create and display beautiful presentations that include text, pictures, charts, diagrams, audio, video and animated special effects. हम इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट भी, पिक्चर्स भी, डायग्राम भी, एनिमेशंस भी. ओके, सो प्रेजेंटेशन, यू कैन सी दिस वन इज़ द सिंबल हेयर, PowerPoint 2021. नाउ प्रेजेंटेशन, अ प्रेजेंटेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर दैट डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद ग्राफिक्स, साउंड एंड एनिमेशन. प्रेजेंटेशन हम कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स. जैसे हमारी कॉपी में पेजेस होते हैं, ऐसे प्रेजेंटेशन में क्या होते हैं? स्लाइड्स बोलते हैं उसको हम. तो स्लाइड्स में हम पिक्चर ऐड कर सकते हैं, इफेक्ट दे सकते हैं, एनिमेशन, जो भी हम करना चाहें वी कैन डू इट. स्लाइड, स्लाइड इज़ लाइक अ पेज इन अ PowerPoint प्रेजेंटेशन दैट डिस्प्ले सम इंफॉर्मेशन अबाउट अ टॉपिक. नाउ यूजेज ऑफ अ प्रेजेंटेशन, अब इसके यूजेज आ गए हमारे पास. अ PowerPoint प्रेजेंटेशन हेल्प्स यू इन प्रेजेंटिंग द व्यूज एंड आइडियाज इफेक्टली बाय क्रिएटिंग अ गुड विजुअल इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस. हम ऑडियंस भी एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सकते हैं बाय यूजिंग PowerPoint, क्योंकि हम इसमें अच्छे से डायग्राम्स, साउंड, ग्राफिक यूज़ कर सकते हैं. पीपल इन द बिजनेस वर्ल्ड यूज इट टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोडक्ट्स और कंपनी इन सेमिनार्स एंड मीटिंग्स. लाइक आई टोल्ड यू, बिजनेस मीटिंग्स में हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं PowerPoint के थ्रू. देन PowerPoint इज एन इफेक्टिव टूल टू प्रेजेंट एंड ऑर्गेनाइज द कोर्स कंटेंट इन द क्लासरूम टू एनहांस द स्टूडेंट्स लर्निंग. हम किसी भी चैप्टर का, किसी भी बुक का PPT बना के स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं,
ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आए. ओके, सो इट्स अ वेरी यूजफुल इन आर डेली लाइफ, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यू कैन से लर्निंग में हो गया, बिजनेस में हो गया, कहीं पर भी, राइट. सो स्टार्टिंग पावर पॉइंट, अब हम देखते हैं इसे स्टार्ट कैसे करना है. टू स्टार्ट विथ पावर पॉइंट फॉलो द गिवन स्टेप्स. हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? द फर्स्ट वन, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. द सेकेंड वन, टाइप पावर पॉइंट इन द सर्च बार. जो सर्च बार है उसमें हम टाइप कर देंगे पावर पॉइंट. देन द थर्ड वन, क्लिक ऑन द ऐप नेम्ड पावर पॉइंट एज शोन इन द फिगर. हमारे पास क्या आ जाएगी? ऐप आ जाएगी पावर पॉइंट के नाम से, उस पर हम क्लिक कर देंगे. देन क्लिक ऑन द ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन टू ओपन अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन एज शोन इन फिगर. अ न्यू प्रेजेंटेशन विल ओपन विद द डिफॉल्ट नेम प्रेजेंटेशन वन. अभी हमने कोई नेम डिसाइड नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली इट विल कम लाइक प्रेजेंटेशन वन. ओके, आप स्टार्ट, जैसे इसमें आप देख सकते हैं ये क्या है, आपका ब्लैंक प्रेजेंटेशन. जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रेजेंटेशन वन नाम से आपके पास यहाँ पे एक स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा, राइट. सो नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट. अब इसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स यूज होते हैं? द पावर पॉइंट विंडो कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स. द फर्स्ट वन इज हेयर टाइटल बार. जो ऊपर वाला है ये, दिस इज द टाइटल बार, जिसके अंदर ये सर्च वाला बॉक्स बना हुआ है. दिस टोटल इज सेड टू बी टाइटल बार. और एक आप साइड में कॉर्नर में एक रेड कलर में बटन टाइप है राउंड में, इट इज सेड टू बी क्विक असेस टूल बार. इट इज द क्विक असेस टूल बार, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन हेयर दिस साइड यू कैन सी हेयर रिबन, द लास्ट वन इट इज द रिबन. इसमें भी काफ़ी सारी टैब्स हैं विच वी कैन यूज. एंड दिस इज सेड टू बी स्लाइड नेविगेशन पेन. यहाँ पे क्या आएंगे, जो जो हम स्लाइड्स बनाते जाएंगे वो यहाँ हमें शो हो जाएंगी. जैसे अब वन है, वन पे ब्लैंक है अभी, दैट प्रेजेंटेशन इज ब्लैंक, तो इट विल कम लाइक दिस. सो स्लाइड नेविगेशन पेन में हमारे पास क्या आएगा, जो भी हमने स्लाइड्स बनाई हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, राइट. एंड हेयर वी हैव स्लाइड पेन. जो हमारे पास सेंटर व्यू होगा स्लाइड का, उसको हम क्या बोलते हैं? स्लाइड पेन. ओके, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा क्लिक टू ऐड टाइटल. जो भी हमें हेडिंग या टाइटल देना है अकॉर्डिंग टू टॉपिक. एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल. इफ देर इज एनी सब टाइटल वी कैन राइट इट ओवर हेयर. ओके, देन अब आप नीचे आ जाएं, यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक जूम स्लाइडर. यहाँ से हम इस बटन से लेफ्ट राइट करके हम अपने जो प्रेजेंटेशन का साइज है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. एंड हेयर वी कैन सी व्यू बटन्स, राइट. सो नाउ वी आर एक्सप्लेनिंग टू यू, यू हैव सीन दीज ऑल. सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज द टाइटल बार, द अबव वन. साइड में हमारे पास क्या है? क्विक असेस टूल बार, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पे है स्लाइड नेविगेशन पेन, यानी यहाँ पे सारी की सारी स्लाइड्स आपके पास आ जाएंगी. और ये जो आपका सेंटर व्यू होगा प्रेजेंटेशन का, उसको हम बोलते हैं स्लाइड पेन. और जो यहाँ पर आपके पास आएगा रिबन, राइट. एंड हेयर नीचे आएंगे आपके पास व्यू बटन्स, एंड यहाँ पर आएगा आपके पास जूम स्लाइडर. आई होप इट्स क्लियर टू यू. अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वन इज टाइटल बार. टाइटल बार में क्या है? इट डिस्प्लेस द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑन विच यू आर करंटली वर्किंग, जिसमें हम वर्क कर रहे हैं. ओके, सो इट डिस्प्लेस द नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन. उस टाइटल बार में नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन आ जाएगा. देन द नेक्स्ट इज क्विक असेस टूल बार. इट हैज फ्रिक्वेंटली यूज कमांड्स एंड इज प्लेस्ड एट द टॉप लेफ्ट ऑफ द टाइटल बार. आपने देखा था इट वॉज ऑन द लेफ्ट साइड. और इसमें जितनी भी फ्रिक्वेंटली यूज कमांड्स हैं, जो कमांड्स हैं हमें यूज़ करनी होती हैं. सो यू कैन ऑल्सो प्लेस दिस टूल बार बिलो द रिबन. इसको हम रिबन के नीचे भी ला सकते हैं, यानी राइट हैंड साइड पे भी ला सकते हैं. टू डू सो क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो एट द एंड ऑफ द टूल बार एंड सेलेक्ट द शो बिलो द रिबन. आपके पास क्या आ जाएगा? शो बिलो द रिबन, यानी ऑटोमेटिकली जो क्विक असेस टूल बार है वो हमारा
रिबन के नीचे आ जाएगा. नाउ टू ऐड मोर कमांड्स टू द क्विक एसेस टूल बार, अगर उसमें हमें और कमांड्स ऐड करनी है, देन सेलेक्ट द कमांड्स दैट यू वांट टू इंक्लूड इन द क्विक असेस टूल बार फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. तो हम लिस्ट में से कमांड सेलेक्ट करके उसमें ऐड भी कर सकते हैं. Now ribbon. The ribbon is placed below the title bar. It displays several tabs such as file, home, insert, design, transitions, animations, etc. Each tab has commands that are organized into different groups. Now slide pane. It is the middle section of the PowerPoint window where you can work directly on individual slides. I have shown you जो center में होता है इसमें आप directly work कर सकते हैं. Then slides navigation pane. So the slide navigation pane is located on the left side of the presentation window. I told you जहाँ पे हम slides को दिखाते हैं left side में है. It shows a thumbnail version of each slide. If you want to see the large view of any thumbnail, click on it. हमारे पास वो short form में आ जाएंगी. अगर हमें उसका large view देखना है तो उस स्लाइड को हम क्लिक कर देंगे. उस पर हम क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेंटर में अपीयर हो जाएगी. द सेलेक्टेड स्लाइड अपीयर्स इन द स्लाइड पेन. यू कैन ऐड, डिलीट, कॉपी एंड रीअरेंज स्लाइड्स इन द स्लाइड नेविगेशन पेन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपके पास स्लाइड पेन भी है, स्लाइड नेविगेशन पेन भी है. इनका आप डिफरेंस भी लर्न कर सकते हैं. तो स्लाइड पेन क्या है? दैट इज द सेंट्रल पार्ट जहाँ पे आप करंट व्यू देखते हैं प्रेजेंटेशन का, स्लाइड्स का. ऐसे ही स्लाइड नेविगेशन पेन क्या है? ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है जहाँ पे सारी स्लाइड्स का थंबनेल होता है. आपने जो भी स्लाइड देखनी है आप उस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली इट विल अपेयर इन द सेंटर पार्ट ऑफ द स्क्रीन. राइट? सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको और क्लियर होगा. Now notes pane, it is placed on the status bar. The notes pane provides space to add notes for the current slide. These notes are also known as the speaker's notes. Now view buttons. The view buttons are displayed towards the left of the zoom slider on the status bar. I have shown you. You can view the slides in different format. Normal mein, slide sorter, reading view, slideshow. तो देर आर डिफरेंट वेज. जो भी आपने देखना है आप उसको चूज कर सकते हैं. जूम स्लाइडर, क्लिक एंड ड्रैग द जूम स्लाइडर टू इंक्रीज और डिक्रीज द स्लाइड्स व्यू. स्लाइड्स व्यू के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए वी कैन यूज जूम स्लाइडर. द नंबर टू द राइट ऑफ द स्लाइडर रिफ्लेक्ट्स द जूम परसेंटेज. नाउ क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन. अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड इन द फॉलोइंग टू वेज, बाय यूजिंग ब्लैंक presentation or by using templates. Now creating a blank presentation. To start with a new blank presentation, follow the given steps. आपने first step क्या है? Click on the file new option and then click on the blank presentation option or press the keyboard shortcut control plus N. या तो आप पहले file new पे click करेंगे और फिर आएगा आपके पास blank presentation option, उस पर क्लिक करेंगे. या फिर एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन. राइट? सो द नेक्स्ट इज अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन अपीयर्स इन पावर पॉइंट. बाई डिफॉल्ट इट कंटेन्स ओनली वन स्लाइड विद डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्सेस कॉल्ड प्लेस होल्डर्स. एंड दीज प्लेस होल्डर्स होल्ड टेक्स्ट, इमेजेस एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड. जब आपने ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली आपके पास रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आ जाएंगे डॉटेड में, जिनको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर्स. और उसमें आप टेक्स्ट को, इमेजेस को और कोई भी अदर ऑब्जेक्ट्स को आप रख सकते हैं. नाउ एडिंग टेक्स्ट इन अ प्लेस होल्डर. अब किसी प्लेस होल्डर में अगर हमें टेक्स्ट ऐड करना है देन व्हाट टू डू? यू कैन ऐड टेक्स्ट इन द गिवन प्लेस होल्डर एज शोन बिलो. द फर्स्ट वन, click on the click to add title placeholder and then the cursor blinks inside the text box, type some text. जब आप क्लिक करेंगे कर्सर आ जाएगा अंदर बॉक्स के, तो आप अपना टेक्स्ट को टाइप इजीली कर सकते हैं.
Now the second point, now click outside the text box. You will notice that the entered text appears on the slide in the slide pane. Similarly, you can add the text in the next place holder. जैसे आपने किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ भी दिख जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा. ओके, टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड ड्रॉप डाउन ऑप्शन इन द स्लाइड ग्रुप. स्लाइड ग्रुप में जो ड्रॉप डाउन होगा उसमें न्यू स्लाइड पे आप क्लिक करेंगे जो होम टैब पे अवेलेबल है एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड स्लाइड लेआउट फ्रॉम द ऑफिस थीम सेक्शन. ओके, सो नाउ क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग अ टैम्पलेट. अब टैम्पलेट से हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं कोई भी प्रेजेंटेशन. अ टैम्पलेट इज अ प्री डिजाइंड प्रेजेंटेशन लेआउट दैट इंक्लूड्स कस्टम फॉर्मेटिंग एंड डिजाइन. टैम्पलेट में क्या है, ऑलरेडी डिजाइन अवेलेबल है जिनको हम यूज कर सकते हैं. इट कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट व्हेन स्टार्टिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन. PowerPoint provides various built-in templates that you can easily use to create your presentations. To create a presentation using a template, follow these steps. इसमें टेम्पलेट में आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, ऑलरेडी मेड पिक्चर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं ब्यूटिफुली जिनको आप ईजिली ऐड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में. सो वॉट टू डू, द फर्स्ट वन क्लिक ऑन फाइल न्यू. The second is the new screen appears displaying a list of templates on different topics. आपके पास different topics के templates आ जाएंगे. Then the third one, you can also search for online templates and themes by typing the topic of the theme on the search bar. आप search bar में type करके जो भी आपकी requirement है उसके according आप उसमें डाल सकते हैं. You will get more ideas. Then double click on the template thumbnail that you wish to use. और जो आपने यूज करना है उसको डबल क्लिक करना है. या फिर what to do, click on the thumbnail to preview the template first and then click on the create button as shown in figure. या तो उस पर एक बार क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा कि क्या है उसमें. Then you can click on the create button. अभी हम देखते हैं how to do it. लाइक दिस, इसमें क्या है, न्यू बटन न्यू पे आ रहा है इसमें और फिर इन्होंने सर्च बार में एजुकेशन को टाइप किया है. राइट, तो इसमें आपके पास एलिमेंट्री होम टैब में देखो न्यू है. राइट, तो न्यू अपेयर हो जाएगा, फिर यहाँ पे सर्च बार भी आ जाएगा. अगर आपको कुछ और आइडियाज चाहिए देन यू कैन टाइप लाइक एजुकेशन वॉट एवर योर टॉपिक, तो उसके अकॉर्डिंग यू आर गेटिंग दिस. ठीक है, सो एंड हेयर इज अ क्रिएट बटन ऑल्सो देयर. राइट, सो व्हेन यू विल डू प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग यू वंस अगेन तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. राइट, लाइक यू कैन सी दिस वन हेयर, दिस इज होम, होम टैब. यहाँ पे आपके पास जो भी टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं वो आ जाएंगे. जैसे ये द फर्स्ट वन थंबनेल है, इसको हमने क्लिक किया तो वी आर गेटिंग दिस, हमारे पास इसका ओवरऑल व्यू आ जाएगा. ऐसे इन्होंने सेकंड में क्या किया है, इन्होंने इसको सेलेक्ट किया है तो आपके पास इसका व्यू आ जाएगा. तो जो आपको देखना है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं एंड देन यू कैन सी इट. राइट, नाउ सेविंग अ प्रेजेंटेशन. अब हमें सेव कैसे करना है, टू सेव अ प्रेजेंटेशन फॉलो द गिवन स्टेप्स. द फर्स्ट वन, click on the file tab and select the save as option or click on the save button present on the left of quick access toolbar or press control plus s. Select the browse option, the save as dialog box will open. आप इसमें देख सकते हैं हमने quick access में save as आ गया हमारे पास यहाँ पर. okay, फिर यहाँ पर save as आएगा तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें ब्राउज ऑप्शन है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं. राइट, सो लाइक दिस यू कैन सेव इट. जैसे यहाँ पर आ गया आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा जो भी आपने सेव करना है. राइट, नाउ फोर, सेलेक्ट द फोल्डर वेयर यू वांट टू सेव द फाइल. नाउ द नेक्स्ट इज स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फाइल एज प्रेजेंटेशन वन इन द फाइल नेम
टेक्स्ट बॉक्स, उसको हम नेम दे देंगे प्रेजेंटेशन वन, देन क्लिक ऑन द सेव बटन, द प्रेजेंटेशन विल बी सेव विद द नेम प्रेजेंटेशन वन हैविंग एन एक्सटेंशन PPTX, मीन्स ये आपकी प्रेजेंटेशन है PPTX, राइट? आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका फाइल नेम शोइंग प्रेजेंटेशन वन एंड सेव एज टाइप लाइक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ओके? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी आ रहा है सेव का, राइट? जब आप स्क्रीन ओपन करेंगे आप अपने आप उसको ऑप्शन आएंगे आपके पास, जैसे यहाँ पे सेव एज आ गया, इसमें आप फाइल अपना देख सकते हैं कि आपने किस नेम से उसको सेव करना है, देन इट विल ऑटोमेटिकली सेव इन योर कंप्यूटर. Now, inserting a picture, adding pictures will make your presentation more interesting and enticing. Means, जब आप कोई पिक्चर ऐड करते हैं तो आपका जो टॉपिक है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है. स्पेशली बच्चों को तो वो बहुत ही अच्छा लगता है. देन यू कैन इंसर्ट पिक्चर टू योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम योर कंप्यूटर और फ्रॉम द इंटरनेट, राइट? Now let us learn how to insert pictures to your PowerPoint presentation. अब हम पिक्चर इंसर्ट कैसे करें? द फर्स्ट वन, क्लिक ऑन द मोर थीम्स ऑप्शन प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन टू गेट मोर टेम्पलेट्स. चूज योर डिजायर टेम्पलेट. स्क्रीन के ऊपर राइट साइड पे मोर थीम करके ऑप्शन होगा, आपने उस पर क्लिक करना है. आपके पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल होंगे. नाउ क्लिक ऑन द प्लेस होल्डर ऑफ द स्लाइड पेन एंड टाइप द टेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. क्लिक ऑन अनदर प्लेस होल्डर एंड टाइप अनदर टेक्स्ट. AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट इज़ द इंटेलिजेंस क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. AI enables machines to think and carry out tasks the way humans do using their natural intelligence. So, like this, here you can see, like here they are showing stock images. So, there are so many. And here insert option is given. Okay, तो आप इसकी help से जो भी आपने insert करना है, you can insert over here. Click on the insert picture stock images option. The stock images window will open. Choose a theme as robots. Select a picture from the gallery of images and click on the insert button as I told you. Then the selected picture will be added to your slide. You can drag the handles of the picture to resize it and place it at the desired position. जैसे यहाँ पे artificial intelligence है, एक प्लेस होल्डर में उन्होंने टाइप किया था, फिर सेकेंड में उन्होंने दिस वन दे टाइप इट, और फिर रॉबर्ट्स की पिक्चर उन्होंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी by using insert option. Okay? You can see over here, यहाँ पे आपकी स्लाइड आ गई artificial intelligence. Now closing a presentation. अब प्रेजेंटेशन को क्लोज कैसे करना है? टू क्लोज अ प्रेजेंटेशन क्लिक ऑन द फाइल टैब, सेलेक्ट द क्लोज ऑप्शन और कंट्रोल प्लस W. द प्रेजेंटेशन विल बी क्लोज्ड बट द पावर पॉइंट एप्लीकेशन विंडो विल रिमेन ओपन. ओके, जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो तो क्लोज हो जाएगी लेकिन जो पावर पॉइंट की विंडो है दैट इज ओपन. Now exit PowerPoint. अब उससे exit करना है. To exit PowerPoint, click on the close button on the title bar or use the alternate plus F4 key combination. Now opening a presentation. To open an existing presentation, follow the given steps. हमें क्या step follow करने हैं? First one, click on the file tab and select the open option from the left pane. आपने क्या करना है? फाइल टैब पे जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर ओपन है तो यहाँ पर ओपन का आ जाएगा ऑप्शन. देन फ्रॉम द सेंटर पेन ऑफ द ओपन डॉक्यूमेंट स्क्रीन क्लिक ऑन द ब्राउज बटन. फिर हम किस पे क्लिक करेंगे? ब्राउज बटन पे. तो ये स्क्रीन आपके पास आ जाएगी जिसमें ये ओपन है और यहाँ पर क्या है आपके पास? ब्राउज. यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे. Now the next is the open dialog box will appear. Select the file that you want to open from the specific location. आपके पास जब आपने open use किया, browse पे click किया, तो आपके पास ये
ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर आ जाएगा आपके पास। फिर आपने जो भी फाइल सेलेक्ट करनी है, जैसे डॉक्यूमेंट है इसमें, तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया तो आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपीयर हो जाएगा। नाउ देन क्लिक ऑन द ओपन बटन। ओके, सो नाउ रनिंग अ प्रेजेंटेशन, आफ्टर मेकिंग स्लाइड्स फॉर योर प्रेजेंटेशन यू कैन रन इट बाय प्रेसिंग F5 की ऑन द कीबोर्ड और बाय क्लिकिंग ऑन द स्लाइड शो आइकन ऑन द स्टेटस बार। आप F5 से भी उसको रन कर सकते हैं और आप स्लाइड शो आइकन को भी यूज़ करके अपनी स्लाइड्स को शो कर सकते हैं। और क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब एंड सेलेक्ट द फ्रॉम बिगनिंग ऑप्शन टू स्टार्ट द स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग। नाउ देयर इज़ वन एक्सरसाइज फॉर यू, यू कैन डू राइट द शॉर्टकट कीज फॉर द फॉलोइंग टास्क लाइक टू सेव अ प्रेजेंटेशन, to create a new presentation, to close a presentation, slideshow and exit PowerPoint. Now computer manner, always keep the computer room clean since your shoes may have dirt stuck on them. Remember to take them off before entering the computer room. Computer room should be neat and tidy. वहाँ पर dust नहीं जाना चाहिए. Okay? So let us rewind. A presentation is a collection of slides arranged in a systematic order that displays information along with graphics, sound and animation. A slide is like a page of a PowerPoint presentation that displays some information related to a topic. The slide's navigation pane is a small window on the left side of the presentation window. A new presentation can be created in by using the blank presentation option or by using templates. By default, a presentation has only one slide with dotted rectangular boxes called placeholders. You can run a presentation by pressing the F5 shortcut key. Okay, so now we have exercise. Check yourself. A part, tick the correct option. The first one, which of the following is the correct option to start a new presentation? So which one is the right? File, new. So A. Okay, the second one, which tab contains the slides group? The slides group kis tab mein hai? That is home. Okay, the dash contains frequently used commands. Which one? Quick access toolbar. And the fourth one, the dash shows a thumbnail version of each slide, that is slides navigation pane. So aap isko fill kar sakte hain as I told you earlier how to do it. Okay, now filling the blanks. The first one, a presentation is a collection of dash arranged in a systematic order. So it is a collection of slides. It is a collection of slides. The second one, a dash is a pre-designed presentation layout that includes custom formatting and design. क्या हम use कर सकते हैं? Already जो बना होता है, that is template. That is template. Okay? The third one, the dash are the dotted rectangular boxes that hold text, images and other objects on a slide. उसको हम क्या बोलते हैं? Placeholders. Right? Then the dash key can be used to run the slideshow, F5. Okay? Now C part, write true or false for these statements. The first one, slides are the collection of presentation in PowerPoint. Yes, this is true. The second one, on starting PowerPoint, a blank presentation named slide 1. No, this is false. Name is presentation 1. A PowerPoint presentation can be saved using the file save option. Yes, this is true. Then the next, to close a PowerPoint application, click on the file tab close option. This is also true. Okay, the next is D, answer these questions. Write the two different ways to create a new presentation. New presentation banane ke liye, what are the two ways? The first is blank presentation and the second is by using templates. Okay, now the second is list any two uses of presentation. Presentation ke uses kya hai? We can make our information more effective,
We can use in our business meetings. We can use in our class learning concepts. Okay. So differentiate between the slides navigation pane and slide pane. इनमें क्या difference है? एक तो इनकी location में. Slide navigation pane you have seen on the left hand side or slide pane in the middle. Okay, center view of the presentation. और क्या है slide navigation में आपके पास क्या है thumbnail of all the slides. और slide pane में हम क्या देख सकते हैं we can see only current view of the presentation. जो भी slide है उसका current view देख सकते हैं. और slide navigation pane में आप क्या कर सकते हैं आप इसमें add कर सकते हैं text है graphics है कुछ भी objects. बट स्लाइड पेन में आप ये सब नहीं कर सकते सिर्फ आप उसको देख सकते हैं राइट. सो हाउ विल यू रन अ प्रेजेंटेशन आप एक प्रेजेंटेशन को कैसे रन कर सकते हैं यू नो वेरी वेल उसको रनिंग करने के लिए एज आई टोल्ड यू कैसे स्टार्ट करना है फिर उसको कैसे शो करना है आप उसको F5 की से अभी हमने देखा था F5 की को हम प्रेस करके अपनी स्लाइड्स को शो कर सकते हैं राइट. सो You can read this chapter, you can go through this chapter, any problem, any doubt, we can discuss it later on. I hope it's clear to you. Jitna aap practically karenge, utna aapko aur jyada clear hoga. So, thank you for watching this video. Stay connected with us till the next video. Have a nice day. Take care. Goodbye.